सभी बच्चों को याद होगा गायत्री मंत्र, याद है? सभी जानते हो तो मिलकर के बोले, प्रेस प्रवक्ता भाई बलराज मलिक जी, पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री रमेश गांधी जी, पुरोहित श्री श्री करमवीर शास्त्री जी और प्रबंधक श्री श्री मुंगलाल चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित आईएसओ गुरुकुल धीरणवास के सूत्रधार श्री आर्यजगत के मोर धन्य सन्यासी श्री आदित्य देश जी, मेरे से पूर्व जी के बड़े सारगर्भित चिंतन मन को आपने सुना श्री आचार्य श्री वेदपाल जी, हमारे भाई भजनोपदेशक श्री श्री प्रताप जी आ रही है उनके साथ में उनके साथी, हमारे भाई श्री सहस्रपाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी गुरुकुल में किसी पद को सुशोभित किए हुए हैं, मुझे जानकारी नहीं पर वे सम्मान करते हैं। आए हुए समस्त राष्ट्र के भाग भविष्य नौजवान मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, वंदनीय मातृशक्ति, भावी भविष्य नौजवान मेरे भाई, एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। वैसे आज क्या है अगर आप लोगों से पूछूं, मुझे तो पता नहीं क्या है आज, और 15 अगस्त को क्या हुआ था, कौन सा सम था उस समय, तो आज कितने वर्ष हो गए, ये बच्चे सारी जानकारी रख रहे हैं, ये बेटियां तो सारी जानकारी रखती हैं, क्या घर वालों बच्चों आपको भी पता है ये बातें, इनको भी पता है। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ये बच्चे जानते हैं कि आज हम क्या मना रहे हैं, और जब तक ये ही नहीं पता तो समझो फिर मनाने का उद्देश्य और कारण सफल क्यों बच्चों नहीं होते। अभी बड़ी सुंदर चर्चाओं को आपने सुना, 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, जो आजादी आज देश में आप भोग रहे हैं, पहले आप ये बताओ, सभी लोगों से पूछूंगी, क्या आप इस आजादी का भोग करते हुए बच्चों खुश हो या दुखी हो, बड़े या कम, बहुत अच्छे, बहुत बड़े ही भारी संख्या में इनको
जो अंदर से खुशी है, और जो जितने मेरी बहनें बैठी हैं, आप दुखी हो या खुशी हो, खुश हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। दुखी हम क्यों हो, निराशावादी थोड़ी है। अरे दो हाथ है दो पैर है, फिर काहे का दुख, है ना, बुद्धि है मनुष्य का शरीर है, वो क्या चाहिए। पर मैं फिर भी पूछना चाहूंगी, ऐसी ही ऐसा ही वातावरण बना रहे, क्या हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चों या नहीं करना चाहिए? और अगर ऐसा हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो वातावरण ऐसा ही रहेगा या बदल जाएगा? बोलो कैसे बदलेगा, क्या हो जाएगा? जैसे मुगलों का कभी शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, अगर हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो बोलो फिर से उस शासन को आने में देरी लगने वाली नहीं। तो हमें क्या करना है बोलो, मेहनत, पुरुषार्थ। कैसा? देश और राष्ट्र की उन्नति करने के लिए। और मैं सबसे पहली बात ये कहूंगी, ये झंडे जो दिखाई दे रहे हैं ना हाथों में, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, हाथ ऊंचे उठा करके दिखाओ एक बार, ओहो एक बार तालियां बजाओ। अरे तुम सब लेकर के नहीं आए हो, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ ये झंडे यहाँ के बाद, यानी कि आज के बाद कल आप इसको कहाँ पर रखोगे? कूड़े में डालोगे? कमरे में? किस जगह पर? जहां जिस स्थान को आप अपने घर में सबसे पवित्र मानते हो। मैं समझती हूँ बच्चों तुम्हारे लिए बस यही टास्क है आज के दिन का, किस झंडे को नाली में सड़क में बिल्कुल भी जाने मत देना, क्योंकि तिरंगा मेरी शान है, और शान पर बोलो किसी प्रकार का कलंक लगना नहीं चाहिए। जहां हर घर तिरंगा में लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अगर एक छत के कोने पर तिरंगा लगाया है नारियो, तो दूसरे कोने पर ओम का झंडा भी लगा लेना, क्योंकि तिरंगा मेरी शान है और वो तो ओम का झंडा मेरी पहचान है, वो मेरी पहचान कराता है कि मैं आर्यों की बेटी हूँ, मैं भारत में रहती हूँ या भारत में रहता हूँ। आइए अपनी शान और अपनी पहचान को हमें वो तो खोना नहीं। पर एक प्रश्न उठता है, बस सुनिएगा, कवि ने कह दिया हम 75 साल बाद आजादी का उत्सव ये मना रहे हैं, तो एक प्रश्न उठ गया, क्या भजन के माध्यम से सुना। भारत जो महान था क्या, कहते हैं ना बच्चों बोलो, मेरा भारत, आज भी
I'm
दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार इसकी शान है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार इसकी शान है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार इसकी शान है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार इसकी सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है और बहुत सारी बातों को लेकर के बोलो शर लज्जा के साथ में झुकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको पढ़ा दिया मेरे बच्चों कि दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल और साबरमती के संत तूने अरे बोलो कर दिया। तो अब आपने पढ़ लिया, आपने सीख लिया कि जो मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, इससे हमें आजादी बिना खड़क और बिना ढाल के बोलो मिली है, इतनी सस्ती मिली है। फिर गुलाम हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर हम बिना खड़क बिना ढाल के बोलो आजादी को प्राप्त कर लेंगे। क्या वास्तव में ही आजादी इतनी सरलता से मिली थी बच्चों? मैं बच्चों से आपके लिए कुछ नया नहीं है। फिर आजादी कैसे मिली? कैसे मिली? अरे कई माताओं ने अपने बेटों को यहां राष्ट्र को समर्पित किया, कई बहनों ने पढ़ो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन को, कई पीढ़ियों ने पढ़ो दादा अर्जुन सिंह के परिवार को, जहां 23 साल के भगत सिंह की चर्चा आप सुनते हैं वहीं पर परिवार केवल एक भगत सिंह नहीं, और वो हरनाम कौर के 36 साल के त्याग को बहनों 36 साल भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह विदेशी धरती पर रहे, नौजवानों को तैयार किया, जागरूक किया और 36 सालों तक हरनाम कौर अपने पति का इंतजार त्याग और समर्पण के साथ बोलो ससुराल में बैठ करके कर रही थी, तब मिली थी आजादी। और मैं कहा करती हूँ मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। सुना है मैंने इतिहासों के माध्यम से कि मुगलों के शासन काल में साहब यदि कोई मुस्लिम मजहब को स्वीकार नहीं करता था तो उस समय बादशाह बोलो उनको मृत्यु दंड दिया करता। अरे सौभाग्यशाली है आप, गर्व करो अपने पूर्वजों पर, धन्यवाद करो उनका कि उन्होंने अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया, उन्होंने अपनी माताओं बहनों की इज्जत को दाग लगने नहीं दिया, उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, पर बोलो उन्होंने विधर्मी बनना स्वीकार नहीं किया। यदि हमारे पूर्वज भी तलवार के दम से बोलो विधर्मी बन गए होते तो आज आर्य समाज मंदिर में बैठ करके वैदिक मंत्रों से आप यज्ञों में आहुति नहीं डाल रहे होते। जो हमारे पूर्वज हमें विरासत में देकर के गए हैं, जानते हो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी संतान को विरासत में उस संपत्ति को दे, वही अच्छा परिवार कहा जाता है। अरे पिता ने जमीन हमें देकर के गए, हमारा कर्तव्य अधिकार नहीं है उस जमीन को बेचने का, ध्यान से सुनना, हमने खरीदी नहीं है वो, पर लोग बेच देते हैं। क्यों? स्वार्थ में। वो जमीन वो घर वो धन को दौलत हमें अपने संतान को देनी है। इसी प्रकार जिस तरह हमारे पूर्वज राष्ट्र धर्म की उन्नति के लिए समर्पित होकर के हमारी सुरक्षा करके गए हैं, बोलो हमारा भी कर्तव्य बनता
कि हम राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित बोलो करें। पर क्या हम कर रहे हैं, करते हैं क्या? हमें तो कोई जरा सा लालच दे दे, हम धर्म के साथ गद्दारी करने में जरा भी लज्जा नहीं करते साहब। और मैं कह रही थी क्योंकि प्रवचन आपने मेरे से पूर्व सुने, भजन रखते हुए चलती हूँ, देश को आजादी इतनी सस्ती नहीं मिली। चरखे से अंग्रेज नहीं डरते थे साहब, तो फिर डर किसका था? तो सुन लो क्या कह दिया, हे महान चरखे के गीत गाओ या ना गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि आज उन शहीदों को याद नहीं किया ना, तो वो तो कृतघ्नता का पाप जाएगा। कुछ लोगों ने कह दिया अजी आप तो महात्मा गांधी जी का अपमान कर रही है। नहीं, अपमान नहीं कर रहे, जो उनके कुछ अच्छी सीख थी उनका सम्मान करते हैं। कैसे? अरे सुनो, हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, पर कैसे भूल जाए सर पे कर्जा चढ़ा है बोलो भगत सिंह की सीखों का, सर पे कर्जा चढ़ा है भगत सिंह की। चरखे से अंग्रेज नहीं डरे, फिर किससे डरे? तो सुन लो, हे महान तेरी कथा अधूरी, यहाँ वीरों के इतिहास बिना, और यदि मेरी बात सच लगे सही लगे तालियों से समर्थन चाहूंगी। क्या? कि देश में आज जाति नहीं आती, हेरा नेता वीर सुभाष बिना। बात सही नहीं लग रही, झूठी लग रही है। मैंने झूठ कहा, गलत कहा? क्या सुभाष चंद्र बोस का आजादी में बलिदान नहीं था? तो फिर बोल दो, देश में आ जा, देश में आ जा।
के साथ जो उधम सिंह ने खेला था, क्या खून की होली इसीलिए लिख दिया है। मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, क्या बना।
ये कैसे बेटे ये बैठे हैं ऐसे नौजवान, सब नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पर ऐसे ऐसे लड़के मजाक में कहते हुए जा रहे थे पीछे पीछे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सच्ची घटना है, अभी 3 दिन पहले। तो मजाक में भी देश के साथ गद्दारी करते, अरे अपने देश के प्रति वो समर्पण नहीं रहा, राष्ट्र के प्रति वो समर्पण की सपने में भी निकले तो बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद ही निकले। यहां तो 14 साल का हकीकत राय जब ये कहा था ना काजी ने कि तू मुसलमान बन जा, तुझे फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तेरा कत्ल नहीं होगा। हकीकत राय कहता है क्या मुसलमान बनने के बाद कभी मौत नहीं आएगी? तो काजी कहता है कजा सबको खाती है, मौत सबको आती है। तो हकीकत राय कहता है तुम्हारी आयु का बच्चा था, अरे काजी जब मौत सबको आती है तो फिर विधर्मी होकर के नहीं मरूंगा, खंडर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर मैं दूंगा नहीं चोटी को। बोलो मैं दूंगा नहीं छोड़ा। और आज क्या बना रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। किसी ने वीडियो बना ली, अपलोड कर दी, एसडीएम डीएम तक बात चली गई, मीटिंग बुलाई, 5 बच्चे पकड़ लिए, 3 मुसलमान के थे, 2 हिंदू के थे, अब माफी मांग रहे हैं। हम तो मजाक कर रहे थे, तुम देश की भावनाओं के साथ मजाक करो? ये मजाक करने के विषय होते हैं क्या? अरे मजाक में भी भारत माता अपमान न करे, मजाक में भी जन्म देने वाली माँ का अपमान न करे, मजाक में भी पालन करने वाले पिता का अपमान न करे, मजाक में भी शिक्षा देने वाले गुरुजनों का अपमान न करे। मैं समझती हूँ 75 साल की आजादी का महा उत्सव तब ही मनाना सफल होगा, वरना तुम मनाते रहो देश की आजादी के जश्न और बच्चे बोलो पाकिस्तान के नारे लगाते रहेंगे, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। आपने सुना, अभी आपके बीच में लगातार रहूंगी, इसी तरह आप भजनों को सुनते रहेंगे। और संगीता आर्या चैनल आप YouTube पर डालोगे तो आपको बहुत सारे भजनों की वीडियो मिलेगी, बहुत सारे लोगों ने भजन डाले हैं, पर जिन पर मेरा फोन नंबर डला है वो मेरे अपने चैनल की वीडियो है, आप उसे सब्सक्राइब करें। लोग पूछते हैं मेहंदी सब्सक्राइब करने का कुछ आपको पैसा मिलता है क्या? तो चिंता मत करना, सब्सक्राइब करने का मुझे कुछ भी पैसा मिलता नहीं है। लोग इसीलिए नहीं करते, इनको पैसा मिलता होगा, हमको पैसा नहीं मिलेगा, तुमको भजन सुनने को मिलेंगे। और वो भी जब तुम सुनोगे बाद में, अभी इतना हाई लेवल पे नहीं पहुंच गया कि पैसे मिलेंगे, तुम चिंता मत करना, संगीता को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बस तुम प्रसन्न रहना, भजन सुनना और अपने देश के लिए समर्पित रहना। एक बार बोल देना बोले भारत माता की जय, गौ माता की जय, महर्षि स्वामी दयानंद की जय, जन्म देने वाले माता पिता और गुरुजनों की जय। इनका भी सम्मान कर लिया करो, इनका सम्मान रहा ही नहीं दुनिया में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं विचारों के साथ विधि ओम शांति। इसी प्रकार से हम इनके गीतों को सुनते रहेंगे। आज हमारे मध्य में